हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पे। दोस्तों, जब भी आप ट्रेन में सफ़र करते हैं तो वहाँ पे कोच पे S1, S2, S3 लिखा रहता है, स्लीपर क्लास के कोचेस पे। और वहीं पे अगर आप थर्ड एसी में ट्रैवल करते हैं तो वहाँ पे B1, B2, B3 ऐसा रहता है। और अगर सेकंड एसी में ट्रैवल करते हैं तो उसमें A1, A2, A3 रहता है। तो अभी आपने नोटिस किया होगा कि ट्रेन पे M1, M2, M3 ऐसा लिखा रहता है। तो क्या आपको मालूम है ये कौन से ट्रेन के बोगीज पे लिखा रहता है? तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में आपको इसके बारे में हम पूरी जानकारी देते हैं। दोस्तों, भारतीय रेलवे ने 2021 में 3-टायर इकोनॉमी कोचेस इंट्रोड्यूस किया था और ये कोचेस कुछ ट्रेनों में अटैच किए गए थे। इन कोचेस पे लिखा रहता है M1। अगर ट्रेन में 3-टायर इकोनॉमी के एक कोच अटैच किए गए रहेंगे तो वहाँ पे M1 लिखा रहेगा, दो कोच रहेगा तो M2 रहेगा, तीन कोच रहेगा तो M3 रहेगा। तो ये नंबर से मालूम पड़ता है कि ये कोच 3-टायर इकोनॉमी का है। तो दोस्तों, आपको जिस ट्रेन में M1, M2, M3 का नंबरिंग दिखे तो आप समझ जाइए कि इस ट्रेन में 3-टायर इकोनॉमी का कोच अटैच किया गया है। तो आप उस ट्रेन में 3-टायर इकोनॉमी कोच में ट्रैवल कर सकते हैं। दोस्तों, 3-टायर इकोनॉमी कोचेस का जो किराया होता है वो नॉर्मल जो थर्ड एसी के कोचेस हैं उससे 8% कम रहता है। वहीं पे बात करें दोस्तों सीट्स की, आपने देखा होगा थर्ड एसी में जब भी आप ट्रैवल करते होंगे तो उसमें 72 सीट्स होते हैं, परंतु थर्ड एसी इकोनॉमी में 83 सीट्स होता है, मतलब 83 सीट्स। तो थर्ड एसी से 11 सीट ज़्यादा होता है थर्ड एसी इकोनॉमी में। तो चलिए दोस्तों, हम थर्ड एसी इकोनॉमी कोच का इंटीरियर आपको दिखा देते हैं। ये है थर्ड एसी इकोनॉमी कोच का इंटीरियर। यहाँ पे आपको मोबाइल और लैपटॉप चार्ज करने के लिए चार्जिंग पॉइंट रहता है। ये एक साइड टेबल है, ये सामने साइड लोअर और साइड अपर का बर्थ है। इसमें एक कंपार्टमेंट में 6 सीट्स होते हैं, लोअर मिडल अपर, उसके ऑपोजिट लोअर मिडल अपर, और साइड में 2 सीट्स होते हैं, साइड लोअर और साइड अपर। दोस्तों, ये है थर्ड एसी इकोनॉमी कोच का इंटीरियर। देखने में बहुत ही सुंदर दिखता है। ये थर्ड एसी के मुकाबले इसका इंटीरियर बहुत ही अच्छा रखा गया है और इसके जो सीट्स हैं वो उसके विड्थ जो है वो कम है थर्ड एसी कोचेस के मुकाबले। तो ये देखिए, यहाँ पे ये है रीडिंग लाइट्स, इसको आप ऑन करके यात्रा के दौरान बुक्स और न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं। और ये है मोबाइल होल्डर, यहाँ पे अपना मोबाइल चार्ज पर लगा के रख सकते हैं। ये है वाटर बॉटल होल्डर, यहाँ पे आप अपना पानी का बॉटल रख सकते हैं। और ये साइड टेबल है, इसको इस तरह से ऑन करके आप यात्रा के दौरान अपना लंच ब्रेकफास्ट कर सकते हैं, फिर खाना हो जाएगा तो उसको बंद कर सकते हैं आराम से। ये देखिए, सीट के बाजू में यहाँ पे भी रीडिंग लाइट्स दिया गया है, हर सीट के साइड में दिया है रीडिंग लाइट और एक चार्जिंग पॉइंट भी है। यहाँ पे देखिए, ये एसी पैनल है, हर सीट के साइड में आपको एसी पैनल मिल जाएगा। इसको आप अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं, इसका टेम्परेचर बढ़ा और कम कर सकते हैं। ये एक नया फैसिलिटी जो थर्ड एसी इकोनॉमी कोच में दिया गया है, और कोच में एक मिरर भी है। दोस्तों, आप अपना सामान लोअर सीट और साइड लोअर सीट के नीचे रख सकते हैं। दोस्तों, थर्ड एसी इकोनॉमी कोचेस का जो इंटीरियर है बहुत ही अच्छे से डिज़ाइन किया गया है, वो देखने में बहुत ही सुंदर लगता है। और दोस्तों, थर्ड एसी इकोनॉमी कोचेस में इंफॉर्मेशन सिस्टम भी अटैच किया गया है, जिस पे डिस्प्ले करते रहेगा कि कौन सा स्टेशन आ गया है, कौन सा स्टेशन आने वाला है और ट्रेन कितने स्पीड पे चल रही है, तो उस पे आपको सारी जानकारी मिल जाएगा। दोस्तों, अभी आज के टाइम पे देखा जाए तो थर्ड एसी को इकोनॉमी के जो कोचेस हैं वो बहुत सारे ट्रेन में अटैच कर दिए गए हैं, जिसमें यात्री आराम से अपना सफ़र कंप्लीट करते हैं। वहीं पे बात करें दोस्तों, इस ट्रेन में यात्रा के दौरान आपको कंबल, चादर, बेडशीट, तकिया मिलता है। जब ये ट्रेन कोचेस पहली बार इंट्रोड्यूस हुए थे उस टाइम पे थर्ड एसी इकोनॉमी कोचेस में पैसेंजर को लिनन सर्विसेज नहीं दी जाती थी, परंतु रेलवे ने बाद में अनाउंस किया कि थर्ड एसी इकोनॉमी कोचेस में यात्रा करने वाले यात्रियों को भी लिनन सर्विसेज प्रोवाइड की जाएगी, तो उनको अभी लिनन मिल रहा है। तो दोस्तों, कैसे लगा आपको ये इन्फॉर्मेशन? क्या आपने कभी थर्ड एसी इकोनॉमी कोचेस में ट्रैवल किया है? अगर किया है तो आपका ट्रैवल एक्सपीरियंस कैसा रहा वो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आप नए हैं हमारे चैनल पर और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। तो इस वीडियो को अब हम यहीं पर समाप्त करते हैं और आप लोगों से फिर से मिलते हैं अपने अगले नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।